कहते हैं टैलेंट किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, वह कहीं भी जन्म ले सकता है। ऐसे ही एक घर में आए हुए हैं जो गुमनाम गली की लता मंगेशकर है, तो फिर चलिए उनसे मिलते हैं हम। तो हमारे साथ हैं सुमन यादव। सुमन कुछ सुना के बताएं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना बिना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना बिना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही की भैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, जो खिल सके ना वो फूल हमें है, तुम्हारे चरणों के धूल हमें है, जो खिल सके ना वो फूल हमें है, तुम्हारे चरणों के धूल हमें है, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही। तो ये थे हमारे साथ सुमन यादव, बहन सुमन यादव, जो कि एक कहा जाए कि गुमनाम गली की लता मंगेशकर है ये। और मैं आपको बता दूं कि यह जो गायन है यह कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अभी सुमन यादव बहन के घर में हूँ, जो कि गोबरा नवापारा वार्ड नंबर 14 लटरा पारा में इनका घर है। और विभिन्न संगीतकारों का यह गायन करती हैं, साथ ही साथ यह हारमोनियम भी बजा लेती हैं। और तो और मैं आपको बता दूं कि सुमन यादव बहन बड़े बड़े मंचों पर गायन भी, इनका प्रस्तुतिकरण भी हुआ है। अब हम इनके जो वाद्य यंत्र है हारमोनियम के साथ इनकी आवाज़ों को सुनते हैं। तो बहन सुनाएं।
बहुत सुंदर बहन सुमन यादव का। और सुमन यादव बहन, आप ये जो संगीत का जो क्षेत्र आप कहाँ से सीखा है इसको थोड़ा बताएं। हमने संगीत का क्षेत्र हमने हीरापुर में ही सीखे हैं। हीरापुर रायपुर से? जी हाँ, हम पहली क्लास से ही हम संगीत का मतलब हारमोनियम हर कुछ बजाना कर सीख गए थे हम। हाँ बताइए। और अभी भी हमें गाने का बहुत शौक है। हाँ, अभी भी। अच्छा, हमारी इच्छा है कि काश आगे बढ़ने की अगर उम्मीद हो रहे। हाँ, तो आप जैसे कि बहन बोल रही है आगे बढ़ने की उम्मीद अभी भी इनमें है। आप देख सकते हैं बहन जो कि दिव्यांग है, आंख से दिखाई नहीं देता और इनमें प्रतिभाओं की कमी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं यह बहन में कितनी प्रतिभा, जो कि कहा जाए कि एक कोयले की खदान में हीरा जो ढूंढते हैं उसी टाइप का यह कहावत यहाँ पे सिद्ध होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि बहन जो है संगीत के क्षेत्र में कहाँ कहाँ इनका किन किन कितने मंचों में यह कौन कौन से राज्य में यह अपना प्रदर्शन कर चुकी हैं। सुमन बहन ये बताओ कि आप कौन कौन से जगहों पर आप अपने संगीत को प्रदर्शित कर चुके हो? हम अपने संगीत को नागपुर में, दिल्ली में, देहरादून, बिलासपुर, कोरबा, चित्रकूट और मुंबई, अहमदाबाद, फरीदाबाद, इन अन्य चीज़ों में हमने संगीत के क्षेत्र में
अपना प्रोत्साहन दिए हैं, मतलब प्रोग्राम दिए हैं। सुमन यादव की माताजी हैं, इनको कहीं अभी तक से कोई सहायता राशि मिली है क्या, बताओ जी? नहीं मिले, हारमोनिया मिले है बस, हारेन सब। जैसे कि इनका ये कहना है इनकी माता का कि जो हारमोनियम है यह क्षेत्र के विधायक माननीय धरेन साहू जी के द्वारा दिया गया था, जो कि अभी इसका यह उपयोग करती हैं, सदुपयोग करती हैं। कहीं ना कहीं इस बच्ची को या इस बहन को अब इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी प्रतिभा है और यह प्रतिभा इसको कहाँ तक ले जाना है ये आप लोगों के ऊपर है। तो फिर से हम चलिए सुनते हैं कुछ एक और नया गाना। हाँ चलो। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और गंदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ नाता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, पर चली और कंधी से टली, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, अभी तू ही हमें थामना, वो बद बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो कामना, भय उठे प्यारे का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम, नेकी पर चली और गंदी से टली, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, है तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरे कृपा से धरती थमी, दिया तूने हमें जब जन्म, नेकी पर चली और गंदी से टली, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम। बहुत जोरदार, बहुत सुनने की बहन सुमन यादव का बहुत ही सुंदर आवाज है, यह आवाज जो कि अच्छा। सुमन, ये जो आपको संगीत जो सीखने में आपको कितने दिन का टाइम लगा? संगीत के लिए तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। हाँ। 2 साल तो कम से कम मेहनत ही करनी पड़ी, तब आगे चल के मुझे संगीत का बहुत याद हुआ है। हाँ। और शास्त्रीय संगीत को सीखने में मुझे तो बहुत कठिनाई होती थी। अच्छा। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत, ये शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत क्या क्या है, कैसे टाइप का? लोक संगीत में ऐसे कुछ है, जैसे लोक संगीत में छत्तीसगढ़ी वगैरह है। हाँ हाँ। और जैसे शास्त्रीय संगीत में अपन राग वाग है, यमन राग। अच्छा, आता है राग वाग कुछ? जी हाँ, सुनाए। आप सुन सकते हैं, शास्त्रीय संगीत गा रही है बहन, जो कि महत्वपूर्ण है आज के समय में। शास्त्रीय संगीत एक प्रकार से समझो तो विलुप्त हो चुका है, और यह शास्त्रीय संगीत लोग सुनना भी नहीं चाहते। आजकल आधुनिक युग में, आधुनिक परिवेश में आ चुके हैं लोग, तो यह शास्त्रीय संगीत जो हमारा पुरातन संस्कृति है यह हम बोलते जा रहे हैं। तो
तो कितनी सौभाग्य की बात है हमारे इस नगर में इस बहन जो है शास्त्रीय संगीत का ज्ञान रखती है, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप समझ सकते हैं। तो बहन शास्त्रीय संगीत सुनाए। राग भोपाली। अब इसका लक्षण मनीवरे जगाए रागनी कले जब मनीवरे जगाए रागनी कले जब भूपाली अंग कहते दुनी सब सूझ कल्याण मीनू मनीवरे जगाए रागनी करे जबे गवादी अरुदा समे बादी देश कार में अंश सुदेव के राग विभास सजत को वेद समझाए चतुर मनीवर जगाए रागनी कले जबे। ये था लक्षण ये इसका छोटा ख्याल। बहुत सुंदर बहुत सुंदर छोटा ख्याल। अच्छा और है। हाँ सुनाओ। नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा तन मन निर्मल कर भव करना नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा जोई जोई ध्यावत शुभ फल पावत जोई जोई ध्यावत शुभ फल पावत जन्म मरम दुख सब निस्तरना नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा नमन कर चतुर नमन कर चतुर नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा। अति सुंदर अति सुंदर। जैसे कि आप लोगों ने सुना शास्त्रीय संगीत बहन गा रही थी और बहुत ही एक प्रकार से कहा जाए तो यह प्रतिभा जो है कहीं ना कहीं छुपा हुआ था जिसे आज हम इस ग्राउंड न्यूज़ के माध्यम से हम इसकी जो प्रतिभा है उसको सामने लेकर आए हैं। अब मैं यह जो इनकी प्रतिभा है मैं वह आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ और आप लोग इस बहन का जो आज वीडियो इसमें डाला अपने YouTube में डाला है इसकी लिंक को इतना शेयर करें अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बहन सुमन को अपनी प्रतिभा का उचित स्थान मिल सके इस जो कि आज के इस आधुनिक युग में। तो धन्यवाद। मैं हूं नागिन साथ और आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़।